नमस्कार, मैं हूं पीके साहू। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हो कि कुछ दिन पहले कोरोना महामारी की वजह से जो ग्रेजुएशन है, जिसका फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और सेमेस्टर जो द्वितीय सेमेस्टर है और जो फाइनल ईयर है और अंतिम सेमेस्टर, जो फाइनल ईयर है अंतिम सेमेस्टर को छोड़ कर के अभी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जो कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, जो प्रत्येक प्राचार्य, जो शासकीय महाविद्यालय और अशासकीय महाविद्यालय को ये सूचना जारी किया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसमें ये कहा गया है कि कोरोना महामारी के कारण जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, उसमें अंतिम वर्ष और सेमेस्टर परीक्षा जो अंतिम वर्ष है उसको छोड़ करके जितने भी सभी कक्षाएँ हैं उनके वार्षिक या सेमेस्टर परीक्षा आयोजित नहीं करते हुए विद्यार्थियों के अंक सूची एवं परीक्षा फल निम्न रीति के अनुसार निर्देश किया गया है, जिसमें यदि वो 14/3/2020 के पहले यदि एग्ज़ाम दिलाए होंगे उसका मूल्यांकन किया जाना है और उसके प्राप्तांक और आंतरिक मूल्यांकन या मूल्यांकन और असाइनमेंट के आधार पर उसको अंक सूची और परीक्षा फल देने का बात किया गया है। और ये भी बात कही गई है कि यदि उसको असाइनमेंट करना है तो असाइनमेंट के लिए ऑनलाइन की सुविधा किया जाए, जिसके लिए जो विद्यार्थी है उनके मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस मंगाया जा रहा है ऑनलाइन की सुविधा के लिए। इसी प्रकार से एक सूचना और आया था, जिसमें अंतिम ईयर जो अंतिम ईयर परीक्षाएं, जो चाहे वो सेमेस्टर का हो चाहे वो किसी भी ईयर का हो, लेकिन अंतिम ईयर का कोई भी क्लास का हो, उसकी जो परीक्षाएं हैं सितंबर माह के अंत तक आयोजित होने की बात कही गई है। यदि कोई अंतिम वर्ष अंतिम सितंबर में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं देने पाने में असमर्थ है तो उसके लिए और भी मौका मिलेगा, ऐसा एक मतलब पेपर छपा हुआ था पत्राचार मतलब समाचार पत्र में आया हुआ था। तो दोनों नोटिफिकेशन से ये पता चलता है कि फाइनल ईयर का जो अंतिम ईयर उसका एग्ज़ाम सितंबर के अंत तक होना है और जो उसके जो ग्रेजुएशन है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या सेमेस्टर अंतिम वर्ष को छोड़ करके बाकी का अंक सूची और परीक्षा फल उनके कुछ नियम के आधार पर जो है देने की बात कही गई है। तो ये फाइनल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो साथ ही छोटा सा जानकारी था, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।